نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هدى الله هو الهدى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرأن العظيم وَجَعَلْهُ لي إماما ونورا وهدي ورحمة وَجَعَلْهُ لي حجة يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू अल्लाह के क़रम से आज हम अपना लेक्चर नंबर ट्वेल्व शुरू करेंगे आ, इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है इज्तमा साकिन इजमा साकििन का मतलब ये होता है कि जब कभी ऐसी सिचुएशन पेश आए जब एक साकिन के बाद दूसरा साकिन आता है साकिन का मतलब जिसपे जज़्म हो जिसपे सुकून ऐसी कंडीशन में क्या कायदे हैं तजवीज़ में वो हम आज पढ़ेंगे और पहले हमने जो तजवीज़ के कायदे पढ़े थे मुझे उम्मीद है कि आप उन पर काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस भी करते होंगे और अब अब हमारा जो लेक्चर है काफ़ी आगे पहुंचा है तजवीद के तकरीबन हमने अक्सर कवायद और कवानी पढ़े हैं हमारी कोशिश अब ये होगी कि हम कुरान के अल्फाज पढ़े एक एक छोटी सूरत उठाया करेंगे और उस सूरत में जो भी तजवीज के कायदे हैं उनका हम यादा करेंगे रिपिशन करेंगे ताकि ये जो हमने एक इल्म सीखा ये हमारे साथ अब बरकरार रहे तो चले फिर अपना आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे इज्तमाई साकििन सबसे पहले इसका तर्जुमा आप समझिए साकििन का मतलब क्या है जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया साकिन का तर्जुमा यह है कि दो साकििन यानी दो सुकून वाले हरूफ का इज्तमा इज्तमा कहते हैं मिलाप यानि आप एक हरफ देखेंगे उस पर जज्म होगा दूसरा हरब साथ पे होगा उस पर जजम होता है हमारे पास या तो हरफ पे जबर जेर पेश होती है या एक जज्म होता है तो ऐसे हमारे पास मामला क्लियर है कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि ये जो सुकून है या इसको हम जज्म भी कहते हैं ये दो हरूफ में कंटिन्यू है इस सूरत को हम नाम देते हैं इज्तम साकििन साकििन मतलब दो साकिनों का जमा होना दो साकिनों का एक जमा जना जमा होना एक जगह जमा होना दो साकिनों का इसको कहते हैं इज्तमा साकिन अब इसकी दो सूरतें होंगी एक सूरत यह कि जब दोनों साकिन एक ही कलमे में जमा हो पहला कलमा उसमें मदा में हो और दूसरा साकिन असली हो जैसा कि आप याद देख रहे हैं आल आना इसमें आप देखेंगे तो आ के जो ये जो अलिफ बना हुआ है जिस पे ये मद है असल में ये भी तो सुकून है उसके बाद आप लाम पे देख रहे हैं लाम पे भी सुकून है इन्हें लाम पे भी है। तो यहां आप देख रहे हैं। आल आना एक ही लफ्ज़ है मगर इसमें दो सुकूनों का जमा है इसी तरह दा बतुन बा तशरीद का मतलब ये होता है कि बा दो दो तरह है दा यहां पे भी इज्तमा साकिन यानी अगर दो सुकून एक ही कलमे में जमा हो ठीक है चाहे वो सुकून असली हो जहां जैसा आप इन कंडीशन में देख रहे हैं या सुकून वकफफ की हालत में आ जाए जैसे आप देख रहे हैं असल में यहां पर था या लमूना, मीम सुकून में था और नून पे जबर था मगर चूंकि हम यहाँ वकफ कर रहे हैं और आपको कायदा पता है कि वकफ की सूरत में हम आखिर में तशदी सुकून लाते हैं अक्सर सूरतों में जैसा आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे भी दो सुकून जमा हो गए एक तो वापर सुकून एक तो नून पर आर्जी सुकून इसी तरह तो था मगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कदिबान एक तो बा के साथ जो ये अलिफ है इस पे सुकून है दूसरा नून पे सुकून है इसी तरह कदी रु था या कदी रुन था मगर आप देख रहे हैं जब वकफ कर रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं कदीर भी सुकून रा भी सुकून तो ऐसी सूरत में जब दो साकिन एक साथ जमा हो और ये एक ही में हो जिसको आप यहां देख रहे हैं इसको हम नाम देते हैं इज्तम साकििन अला अरबिक टर्म है यानी इज्तमा ही। और इसमें क्या करना है कि हमें इसको ऐसे ही पढ़ना है हमें कोई भी चीज इसमें ना ऐड करना है ना डिलीट करना है इसको आराम से वैसे ही अदा करना है जैसे अदा हो रहा है जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर कद रुन था कद रुन कादरा, मगर हम पढ़ेंगे कौद दाल भी हमने अदा किया और रा भी अदा किया सीन भी अदा किया रॉ भी अदा किया जिक्र कैब भी अदा किया और रॉ भी हमने अदा किया ठीक है यानी इसका मतलब यह है कि इज्तमा साकिनीन का मतलब यह हो गया जब हमारे पास दो सुकून जमा हो और दोनों सुकून एक ही कल, इसकी दो कंडीशन मैंने आपके सामने आरजी दो सुकून यानी एक सुकून और दूसरा सुकून एक ही कलमे में यह हमेशा उस सूरत में ज्यादातर आता है जब हमारे पास यानी वक्फ की सूरत हो उस वक्त हमारे पास जो दूसरा सुकून आता है तो वो सुकून असल में जिसको हम कह सकते हैं आरजी सुकून है जबकि मध की हालत में वो लाज़िमी सुकून होता है ठीक है तो इन दोनों सुकूनों में हमें क्या करना है कि पहला साकिन या तो हरफी मद हो या ना हो मगर ये सूरत हमेशा वकफ में ही आती है जैसा कि आप देख रहे हैं अगर हम वसल करें अगर हम आगे बढ़े पड़े वकफ ना करें तो उस सूरत में दूसरा सुकून यहां नहीं रहेगा ये एक कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब हमारे पास दो सुकून जमा हो मगर दो अलग अलग कलमें यही असल में हमें समझना है एक कंडीशन वैसी है कि दोनों सुकून एक ही कलमे में हो जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है ऐसे ही पढ़ा जाएगा मगर अगर दो सुकून हमारे पास दो अलग अलग कलमे में एक साथ आ जाए तो उसमें क्या होगा मिसाल के तौर पर हमारे पास है हैफ के साथ जो अलिफ है इस पे सुकून है अलबाद अब क्या करेंगे ऐसी सूरतों में यानी हमारे पास दोनों साकिन, दो कलिमों में हो यानी पहला साकििन पहले कलमे के आखिर में और दूसरा साकिन दूसरे कलमे के शुरू में जैसे आप यहां देख रहे हैं वस्तब काफ़ के साथ जो अलिफ है ये भी साकिन है और अलबाब ये भी साकिन है तो इसमें क्या करना है आपको उसको ऐसे पढ़ना है वस्तब इसका मतलब है कि जो हमजा आप देख रहे हैं पहला वाला इसको हम कहते हैं हमजतुल वसल इसको आपको बीच में काट देना है ठीक है इसको आपको बीच में काट देना है।, वसल का जो में आना है इसको हम हजफ करेंगे जिसकी वजह से दो साकिन जमा होने की सूरत पैदा होगी अगर दो साकिन हमारे पास अलग अलग कलमे में हो एक कलमे का जो साकिन हो आखिर में हो और उसके बाद दूसरा कलमे की इब्तिदा सुकून से हो तो क्या करना है हमें उस आखिर वाले सुकून का जो पहले लफ्ज में है उसको हटा के उससे पहले जिस जिसपे जबर जेर या पेश हो उसको दूसरे वाले सुकून के साथ मिलाना है जैसे आपके सामने मिसाल ये है वस अल बाबा को हम क्या पढ़ेंगे? वस बाबा पढ़ेंगे कल बाबा, बाबा यानी जो बीच में हमारे पास हमजतलवसल था इसको हमने हटा के इस वाले यानी जबर वाले हरब को सुकून के साथ मिलाया इस तरह के इज्तमा साकििन को अला गैर हद्दी ही कहते हैं एक ही जगह एक ही कलमे में दो सुकून का जमा होना अला हद्दी ही कहते हैं जबकि इज्तिमा साकिर हद्दी ही उसको कहते हैं जब हमारे पास सुकून अलग अलग कलमे में मगर एक एक साथ हो आखिर में इसमें और उसके बाद इसमें। अब आप इसको ऐसे नहीं पढ़ गए वस्तबका अलबाबा ये बिल्कुल गलत होगा आपको दोनों सुकूनों में से पहला सुकून हटा के दूसरे वाले सुकून के साथ इसको मिलाना है ठीक है अब इसमें बहुत सारे कंडीशन आएंगे जैसे पहला कंडीशन यह है कि अगर पहला साकिन हरफ मद हो अगर पहला साकिन हरफ मद हो तो हजफ किया जाएगा जैसे मिसाल के तौर पर वस्तब कॉ के साथ अलिफ इस पे जजम है सुकून है फिर इसके बाद अलबाबा इस तरह के कंडीशन में क्या करना है कि अगर पहला सकिन हमारे पास हरफ मद हो तो हम हरफ मद को काटेंगे और उससे पहले हर जिस पे जबर जेर या पेश हो उसको दूसरे लफ्ज के सुकून के साथ मिलाएंगे जैसा यहां पर आपकी कंडीशन इसी तरह फी अर है फी अल अर मगर हम पढ़ते है क्या है फिल अर यहां पर भी हमने या को जो असल में फी अल अर्द था यानी पर भी फी मतलब ये हो गया कि हरफी मद्दा था हमने हरफी मद्दा को काट के फी को डायरेक्टली लाम के साथ मिलाया और जो ये अलिफ बना है इसको वस्ल कहते हैं, इसको भी गिरा दिया। इन्हें आम जबान में हम ये कह दे कि हमारे पास इज्जमा साकििन के दो कंडीशन है पहली कंडीशन जब दोनों सुकून एक ही कलमे में हो जिसको हमने ही नाम दिया ऊपर उसमें हमने बताया कि उसमें हमें लगेगा कि एक ही जज हम पढ़ रहे हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास दो सुकून वाले जो हरफ है वो अलग अलग कलमे में आ रहा है एक के आखिर में और दूसरे के इब्तदा में उसमें हमें क्या करना होता है उसकी पहली कंडीशन यह है कि जो एक के आखिर में आता है उसके साथ जो हरफी है उसको गिरा देंगे और हरकत वाले हर को दूसरे के सुकून के साथ मिला देंगे जैसा कि यहां पर आपकी मिसाल है वस्तब का अलबाबा में का के साथ जो हरफीमत अलिफ है उसको गिरा दिया और काफ के साथ जो जबर है उसको अलबाबा के बाब के साथ मिलाया एक तो यह हरफीमत गिर गया दूसरा ये वसल, अलीफ बना हुआ है ना उसको हमजतलवसल के लिए गिरा दी कैसे पढ़ेंगे वस्तब इसी तरह यहां पर हमारे पास था फी अल अर्दी। फी या हरफी मदा थे, म, मदा है क्योंकि या जो है या साकिन माकबल जेर तो या हरफी मदा हो गया इसके बाद आप देख रहे हैं अल अर्दी है तो कानून ये है कि हरफी मदा को हटा देंगे और इससे पहले जो हरफ है जिसपे जेर है उसको डायरेक्टली हम नाम के साथ मिलाएंगे वसल गिर जाएगा ये एक पहला कायदा है दूसरा कायदा है कि अगर पहला जो साकििन है वो मीम जमा हो यानी जहां पर आप ये देख रहे हैं अलैकुम है अलैकुम मीम शकून अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो अलैकुम अल अलतालो है अलैकुम अल कितालो असल में तो यही है ना अलैकुम अलग है अलकताल अलग है यहां पर क्या है कि मीम पे जज्म है मीम पे जज्म है और जज्म से पहले क्या पे ऊपर पेश है इस सूरत में क्या होगा जब मीम साकिन होगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे मीम पे हम पेश लाएंगे यानी अगर पहला साकिन मीम जमा हो जैसे आप यहां देख रहे हैं उस वक्त मीम को हम क्या करेंगे पेश देंगे और उसको फिर हम दूसरे सुकून के साथ मिलाएंगे असल में यहां पर क्या था अल किताब मगर आप देखेंगे क्या पढ़ते हैं किताब ये मीम पे कैसे पेश आया मीम पे इससे पेश आया क्योंकि मीम साकिन था इससे पहले पेश है तो हमने मीम के ऊपर पेश दिया क्योंकि मीन साकिन के बाद अगर दूसरा साकिन आता है तो मीन पे पेश आता है उसको दूसरे सुकून के साथ मिलाया जाता है तो ये दूसरी कंडीशन है एक और कंडीशन है कि अगर पहला साकिन वाव लीन हो वाव लीन तो उसको भी हम पेश देते हैं जैसे वह यहां पर असल में है वाला तख् शव वाला तख् शव अन्ना वाला तख अन्नासा वाव साकिन माकबल जबर तो वाव लीन है वाव असल में लीन है ना जैसे हमने पढ़ा था वाव साकिन माकबल जबर या साकिन माकबल जबर तो वाव लीन या लीन या है वावली यहां पर आप देखिए वाव साकिन माकबल जबर वाव लीन है अगर वाव लीन आएगा उसके बाद हमारे पास सुकून आएगा तो वाव लीन के ऊपर उसका जो सुकून है वो हटा के उस पर पे पेश दे जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे वाला तख्शाउन असल में था वाला तख्शाउ अन्नास तो किसको पढ़ेंगे कैसे यहाँ पे भी सुकून था अन्नासा पे भी सुकून था इज्तम साकिन हुआ आइला गैर हद्दी ही यानी दो अलग अलग अल्फाज में पढ़ेंगे कैसे तख्शास ये वाव के ऊपर पेश कैसे आया कायदा ये है जब वाव लीन होगा उसके बाद सुकून आएगा तो वाव लीन को उसका सुकून हटा के पेश दे ये भी आपको कायदा याद रखना पड़ेगा इसके बाद एक और कायदा है कि अगर पहला अगर पहला साकिन मिन नून साकिन है ना का नून हो अगर पहला साकिन नून साकिन हो जैसा कि आप देख रहे हैं उसके बाद दूसरा साकिन आए तो उस वक्त नून पे जबर देंगे जैसा मिसाल के तौर तो पर यहां आप देख रहे हैं हम इसको कैसे पढ़ेंगे असल में था मिन अन्नासा मगर यहां पर हमने नून पे जबर क्यों दी क्योंकि हमने कायदा पढ़ा है इसमें याद आपको रखना है अगर पहला नून साकिन होगा तो उस वक्त नून साकिन के सुकून को हटा के नून पे जबर देंगे तो मिन अन्नासा को अन्नासी को हम पढ़ेंगे मिन तो यहां पर आपने याद रखा अगर मीम साकिन हो तो उसको जुम्मा देंगे पेश देंगे इसी तरह अगर वाव लीन हो तो जुम्मा देंगे अगर नून साकिन हो तो उसको जबर देंगे जहां पर आप, आप देख रहे हैं इसी तरह अगर पहला लाम मीम यानी मीम होगा अगर मीम होगा पहला साकिन जैसे आप यहां देख रहे हैं और तो उसको भी हम जबर देंगे जैसे अलिफ अलिफला आप देख रहे हैं यहां पर हमने मीम पे जबर दी उसको हम आगे ले गए ठीक है तो ये हमारे पास कायदे हो गए और आखिर में अगर इनमें से कोई भी सूरत ना हो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि कुल था फिर उद है कुल उ तो यहां पर हमने अगर जो आप देख रहे हैं ना यहाँ ना हमारे पास वाव साकिन है ना हमारे पास वाव लीन है ना नून साकिन है ना मीम साकिन है इनमें से कोई हमारे पास कंडीशन नहीं जो ऊपर आपने देख लिया उस वक्त हमें जेर देनी होगी आप देख रहे हैं कुल उदऊ को हम पढ़े पढ़ते हैं कुलिद इसी तरह अविद रहमान क्योंकि असल में आउ था अविद अविध रहमाना ठीक है आउ था तो हमने अविध रहमाना पढ़ा ठीक है ये हमारे पास कुछ कुछ कंडीशन है अगर हम इजमाय ने दो साकिन जमा करें और वो अला गैर ही दो अलग अलग क्लिम में हो जाए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीजें तो बहुत आसान है क्योंकि अक्सर कुरानी मजीद को जब हम पढ़ते हैं तो ये मिसाल है हमारे लिए आसान कर दी गई है जब हम पढ़ेंगे हालांकि कायदा यह है जिसको आपको याद रखना है अगर आप ना भी रखें तो अक्सर और बेशतर ये चीजें हम जानते हैं असल में मुझे जो आपको इंपॉर्टेंट कायदा इजमाय सा में बताना है वो ये लास्ट वाला कायदा है अगर आपको ये ऊपर वाले कायदे याद भी ना रहे हालांकि मैंने आपके नोट्स बनाने के लिए इसको ऐड किया है ताकि आप तजवीज के नोट्स जब बनाए आपको पता है कि हम पढ़ क्या रहे मगर मान लीजिए अगर ये चीजें आपको पता भी ना हो तो कोई मस्ता नहीं क्योंकि ये चीजें अक्सर और हम कुरान में से ही पढ़ते हैं। मगर जिस चीज में हमें आपको दिलाना चाह रहा हूं एक कलमे के आखिर में तनवीन हो, हो और दूसरे के शुरू में हमजा हो हम्जा वसल जिसको करेंगे उस वक्त हम क्या करते हैं हम नून की तनवीन को जबर जेर या पेश में तब्दील करके दूसरे जेर जबर को हम नून जेर जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर असल में लफ्ज था बिज़ी तीन इसको था बिज़ी तीन ठीक है बिज़ी तीन यहां देखे बिज़ी तीन दो जेर था मगर हम कैसे इसको पढ़ेंगे लास्ट में हम इसको बिजी नती दो जेर को एक जेर बरकरार रखेंगे और दूसरी जेर को हम नून नूनजे लाएंगे ये देखिए नूजेर हमने लाया और उस नून जेरनी को दूसरे वाले साकिन के साथ मिलाएंगे ठीक है जैसे हम पढ़ेंगे भी। ये जो छोटा छोटा वाला नून हमने लाया इसको हम कहते हैं नून कितनी इसको कहते हैं नून कितनी बिजीनती नील कवा की और इसके मजीद हम मिसालें देखेंगे ये देखिए असल में यहां पर था कदी अल्लदी, मगर चूंकि कदी जो है वो हमारे पास तनवीन है और कायदा हमने पढ़ा अगर तनवीन के बाद हमारे पास जज्म आए सुकून आए तो हम तनवीन के जो भी तनवीन होगी दो पेश होगा तो एक पेश बरकरार रखेंगे दूसरे पेश को हम नूजर नहीं बनाएंगे अगर दो जबर होगा तो दो जबर में से एक जबर को रखेंगे दूसरे ज़बर को नंजेर नि में लाएंगे अगर दो जेर होगा तो एक जेर रखेंगे दूसरे जेर को हम नून जेर नहीं बनाएंगे इसको कहते हैं नून याद रखिएगा नून तो कैसे पढ़ेंगे असल में था मगर पढ़ेंगे कैसे इसी तरह असल में था लुम दो जेर था मगर इसको चूंकि उसके बाद सुकून आ रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे लुम जती एक जेर रखी दूसरे जेर को हमने नून जेर नहीं बनाया लो इसी तरह नूशन था नू उसके बाद हमारे पास सुकून है तो नूशुन के बाद सुकून आ गया यानी हमारे पास तनवीन के बाद सुकून आ गया तो, तो तनवीन में से एक पेश को हम बरकरार रखेंगे नूशन में से नू शुरू रहेगा और दूसरे पेश को हम नून नहीं बनाएंगे नूनी कितनी बनाएंगे नूश निब नूश निब नी तरह था खाई वसीयतु था मगर आप देख रहे हैं दो जबर के बाद सुकून आ रहा है तो हमने कायदा पढ़ा तनवीन के बाद नब दो जबर, दो जबर, दो जेर, पेश के बाद सुकून आए उस वक्त हम एक तनवीन में से एक हरकत को बरकरार रखेंगे तो दो जबर में से एक जबर को बरकरार रखे और दूसरे जबर को हमने नैर निबनाया निली तरह शाही अन था शाई अन ठीक है शाही अन को हमने बनाया शाही आ और दूसरे जबर को हमने नू जनाया शाही अनित शाही दाही अन खाद इज्तमा साकििन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको आपको याद रखना है जिसको हमने नाम दिया नून कितनी कुछ लोग तो कुतनी भी पढ़ते हैं मगर असल में इसका प्रोनाउंसिएशन है नून कितनी ता नून और या कितनी ठीक है नून कितनी कैसे हो जाता है ये तब होता है कि जब हमारे पास तनवीन के बाद जब हमारे पास तनवीन के बाद सुकून आए जज्म आए जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया असल में कदीरुन था लुमाज़तिन था नूरुन था खुर था शायन था और उसके बाद आपने देखा उसके बाद सुकून है जब इस सूरत में हमारे पास दो जबर दो जेर दो पेश जिसको हमने नूनी तनवीन बताया उसके बाद कोई साकिन हरफ आता है तो तनवीन में से एक हरकत बच जाती है और दूसरी हरकत जो है वो नू जरि में तब्दील हो जाती है इसको हम कहते हैं नूने और ये आज का हमारा लेक्चर है अब हम कुरान पे आएंगे एक हम सूरत पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको कुछ कायदे जो आज के हमने पढ़े कुछ कायदे जो हमने पिछले पढ़े उनको हम याद करेंगे بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم. الله अब इस सूरत के कायदे पे हम आएंगे और मैं देख रहा हूँ कि जलाल साहब हमारे साथ है हमारे मर्द हजरात में और मुझे लग रहा है कोई और साथी भी अगर मर्दों में हो तो वो ऑन अपना माइक ऑन करे और जो हमारी बहनें हैं वो चैट बॉक्स में जवाब देंगी अब हम एक एक करके कवायद को उठाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे पढ़ा देखिए सबसे पहले वायलुल देखिए आप याद रखिएगा या साकिन माकबल जबर जब भी होगा तो या लीन होगा लीन का मतलब होता है नरम पढ़ना मलायम पढ़ना वैसे कायदा है जब हमारे पास नू वाव साकिन माकबल जबर चाहे वाव साकिन माकबल जबर या, या साकिन माकबल जबर उस वक्त हम उसको लीन कहते हैं उसके बाद हमारे पास दोपेश है और दोपेश के बाद हमारे पास लाम आ रहा है हमने कैसे पढ़ा वाई लुल। दो दोपेश को हमने लाम के साथ मिलाया इस मिलाने को हम कहते हैं माशाल्लाह बहन ने जवाब दिए इदगाम और इदगाम ये नून का इदगाम है नून साकिन नून तनवीन का एक ही कायदा है और इदगाम हम कर रहे हैं और गुन्ने की सिफत अदा नहीं हो रही है तो इसदगाम को हम कहेंगे ईदगाम बिलागुन्ना बहन ने बेहतरीन जवाब दिया ईदगाम बिलागुन्ना ईदगाम करना गुन्ने के बाहर वही देखिये दो जेर के बाद फिर से लाम आ रहा है कायदा हमने पढ़ा है नून साकिन या नूनी तनवीन के बाद रा या लाम में से कोई आए तो ईदगाम बिलागुना होता है और अगर दो नून साकिन या नून तनवीन में या मी वाव नून यूमिन में से कोई अर्फ आता है तो इदगाम बागुन्ना होता है वाई लुल लिकुल उसमें भी इदगाम बिलागुन्ना हुआ हुम जतिल किल देखिये नून की आवाज ही नहीं है हालांकि दो जेर की आवाज नून के बराबर यहाँ पे भी इदगाम बिलागुन्ना गुन्ने के बगैर लुम जती नील लदी देखिये पर जो अभी आपने पढ़ा इजमाय सा मतलब आप ये कहिए कि तवीन के बाद तनवीन के बाद हमारे पास सुकून है तनवीन कौन थी असल में यहाँ था लुमा ठीक है लुमा के बजाय हमने लुमा पड़ा और दूसरे जेर को हमने नून जेरनी बना के लाम के साथ मिलाया इसको हम कहते हैं नून नूनकित जी नून कितनी इसको कहते हैं और ये सही जवाब बहन ने दे दिया लुमा जती अगर आप वकफ़ करेंगे अगर आप पढ़ेंगे लुमा क्योंकि वकफफ की भी आयत है ना उस वक़्त यहाँ अल्लदी आएगा तो इस पे हम जो हमजा यहाँ बना हमजरतल इस पे जबर आएगी और लुमा जह के बजाय पढ़ेगी मगर अगर आप मिलाएंगे तो उस वक्त नून कितनी होगा अल्लदी, अगर आप अलग पढ़ेंगे तो अल्हदी अदरवाइज निल्ल है ये या साकिन माका जेर तो ये यहां पर या मदा होगा मद असली जमा आ, को आरा ख्याल रखियेगा वस्त से अदा करना है दो जबर के बाद वाव आ रहा है जी जलाल बता सकते हैं कौन सा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कायदा होगा दो जबर के बाद वाव आ रहा है मालाओं हिंट में दे दू मिलाने को हम कहते हैं ईदगाम और ये कौन सा ईदगाम है जी ईदगाम ईदगाम का कौन सा ईदगाम ये नून का ईदगाम है या मीम का इलगाम दो जबर जो है ना ये नून के बराबर है तो हमको नून का इदगाम है अब नून के ईदगाम या तो बघुन्ना होगा गुन्ने के साथ या बिलागुन्ना होगा आपको क्या लग रहा है जब आप माँ लाऊ पढ़ रहे हैं तो गुन्ने की आवाज है या नहीं है गुन्ने की आवाज है है तो इसको बहुन्ना कहेंगे ईदगाम बागुन्ना यानी ईदगाम गुन्ने के साथ जी माशाल्लाह बहन सही जवाब दे रही है देखिए यहाँ सुकून वक्फ करेंगे तो आखिर में सुकून आएगा यह सबू खा का मखरज वस्त हलक याद रखिएगा नून पे गुना होगा क्योंकि नून पे तशदीद है महू ये उल्टा पेश जो है ना असल में ये वाव साकिन माकबल पेश के बराबर यानी ये वाव मदा के बराबर उल्टा पेश है तो ये तो है हरफ मद सब मद जो है ये अलफ की शक्ल में हमजा है और मालहू अलग है अखलदू अलग है तो हरफी मत के इस बार सबब मद आ रहा है तो इसको मज फरी कहेंगे मज फरी कौन सी किस्म है ये मजि मुनफसल क्योंकि हरफी मत के बाद सबब मद अलग कलमे में है। ठीक है कल्ला बदना आप बताइए नून साकिन के बाद बा आ रहा है कौन सा सिफत है ये नून का कौन सा कायदा नून के चार कायदे हमने पढ़े थे उसमें से एक कायदा यह था कि जब नून बाद आ जाए। और उसका मतलब यह है कि हम नून की आवाज को, मीम करते। मीम में। इस को हम कहते हैं इकलाब इलाब कलब से निकला है कलब का मतलब इसीलिए आप देखिए हम यहाँ नहीं पढ़ते लय हम पढ़ते लय नीम की आवाज लय बना दाल को नरम पड़िएगा नून पे जब भी तश्द हो तो गन्ना होगा फिर को मخ, से और तो पढ़ेंगे और याद रखिएगा जब भी आखिर में गोलता है तो गोलता आखिर में वक्फ की सूरत में गोल हा में तब्दील होता है मीम के साथ जो अलिफ है ये हरफी मद है। और अदरा का जो ये हमजा है अलग कलमे में यहाँ पर मद, मद मुनफसल अद बताइए दाल की आवाज़ वापस आ रही है जब जलाल साहब आप बता सकते हैं कि कौन सी सिफत है ये वापस आने को कहते हैं कलकला माशा बहन ने जवाब दिया कल कला, दिया। कला। वापस आना। पांच रूपये होता है कौफ तो, दाल सबको मिला के खुतबिजत कहते हैं आद रॉ क्या रॉ को मोटा पड़ेंगे क्योंकि रॉ के साथ अलिफ है जबर है मल हाँ पे भी देखिए तो साकिन होने की सूरत में गोलता तब्दील होता है गोलहा में नारुल्लाहिल मुझे बताइए कि लामी जलाल में जो अल्लाह के लामी जो लामी जलाल है ना लाम इसको पुर पढ़ेंगे या बारी की सूरत में जी जलाल सर पिछला पुर पढ़ेंगे इसको पुर पढ़ेंगे क्योंकि माकबल जबर है वेरी गुड पुर, माकबल पुर, पेश माकबल पेश है ना उसकी वजह से क्योंकि अगर माकबल पेश या जबर होगा तो पुर पढ़ेंगे अगर आप इसको मिलाएंगे तो मुहद तुल्लती पढ़ना पड़ेगा मगर आप ठहरने की हालत में यहाँ पर आर्जी जबर लाएंगे अल्लती तब देखे, देखे, ता है और तो को मोटा पढ़ना पड़ेगा नून पे गन्ना साहिम के बाद यह मीम का इदगाम होगा इदगामी शफी

يحسب أن ما له أقلده صحيح كلا كل لينبذن في الحطابة وما أدراك ما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة माशाल्लाह इन्ना अलैहिम मुसदा सही फी अमदि मुمدदा काफी अच्छा पढ़ा आपने बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है अक्सर ये गलती होती है सिर्फ आपसे नहीं देखिए तजवीद में हमें ये चीज याद रखना है कि जो भी हर्फ जितना लंबा करना है उतना ही करना है अगर हमने उसकी लंबाई ज्यादा कर ली तो ترجمہ चेंज होगा जैसे यहसब इसका अलग तर्जुमा है और यह सबू का बिल्कुल अलग तर्जुमा है तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है बाकी माशाल्लाह आपने सही पढ़ा और आपने यहाँ पर खुद ही लुमाज़ह पढ़ा लुमाज़ह की सूरत में फिर यहाँी होगा नून पतनी नहीं होगा यह आपने सही पढ़ा और लुमा अगर हम पढ़ेंगे तब हमें निल्लि पढ़ना है जजाकल्ला खैर हमारा जो तजवीज़ का आखिरी लेक्चर होगा इनशाला वो अगले बार होगा उसके बाद हम इनशा डायरेक्टली आ, कुरानी ग्रामर को शुरू करेंगे उम्मीद है कि इन प्रैक्टिस आप करेंगे और इन इसको मज़दीद हम बेहतर से बेहतर पढ़ेंगे वमाबला वरम तबरक अल्लाक